70th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ और सेलिब्रेट करने के लिए हॉलैंड से मेरे दोस्त सिंह साहब आए हैं खासकर बर्थडे सेलिब्रेट करने। ये हैदराबाद के बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, ये आए हैं तो मेरे लिए बहुत ग्रेट बात है। और क्या कहना चाहेंगे आप जो आगे के आपके इनिशिएटिव्स? नहीं सर, मैंने इंडस्ट्री में अभी मुझे 52 ईयर्स हो गए, बहुत काम कर लिया है और अभी सेलिब्रिटी सब जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड भेजता हूँ, शोज करता रहता हूँ, प्रोडक्शन नहीं करता हूँ। 20 सीरियल प्रोड्यूस कर चुका हूँ जिसमें हर चैनल पे किए हुए। पहले करने में मज़ा आता था, एक पैशन था, अभी आजकल पैशन नहीं है, सब डब्बे भरे हैं। तो अभी मैं ज़रा एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ, 70 के हो गए, अभी आप ही के मस्त रहना है, कोई टेंशन लेनी नहीं। सर वो तो अलग था, आपका दौर कॉर्पोरेट दौर हो चुका है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? क्या कुछ नहीं, आज के दौर का मज़ा नहीं आ रहा है सर। कुछ भी बताएंगे आपके पास फ्रेंड आपने जब तुमने की है कि तो ब्रेक दिया आपने, जैसे आपने कहीं कहीं को ब्रेक दिया आपने, जो भी नाम भेजी होगी? हाँ, हमने पहली सीरियल जो बनाई थी परिवर्तन ZTV पे थी, उसमें गोविंद नाम दीजिए को हमने ब्रेक दिया था, प्रशांत नारायणन को दिया था और बहुत सारे एक्टर थे जैसे रवि गोसाई, जहांगीर खान, दीपराज राणा, अश्विन कौशल। और डायरेक्टर में भी हमने शुरुआत जब की थी तो भरत रंगाचार्य फिल्म के बहुत बड़े डायरेक्टर, उनकी एक साल के बाद डेथ हो गई थी, तो विजय पांडे करके एक डायरेक्टर को ब्रेक दिया था। और बाकी तो राइटर्स बहुत बड़े बड़े राइटरों के साथ काम किया, भूषण बनवाली राइटर थे, उनकी भी डेथ हो गई है। मैंने दादा साहब फाल्के 17-18 साल से कर रहा हूँ, जिसमें इंडस्ट्री के 90% लोग आके गए, जिसमें दिलीप कुमार और बच्चन साहब एक प्लेटफॉर्म पे 32 साल के बाद आए, जहाँ जबकि बड़े बड़े इवेंट वाले कोई ला नहीं सका था। वो इवेंट हमने जू के तुलिप स्टार में किया, उसी में अजय देवगन था, काजल थी, रोहित शेट्टी थे, एकता कपूर, मतलब इंडस्ट्री के सभी लोग थे, पंजाब से गुरदास मान थे। वो सर इंदु दासा फाके नाम से कई सारे अवार्ड हो रहे, आप क्या कहेंगे? सर बिक रहे, आप देखो किसी को भी जो अवार्ड बिक रहे हैं आज 2-2, 2.5 हज़ार, 3,000, 5,000 में अवार्ड बिक रहे हैं। ये जो इंटीरियर के लोग हैं उनको पता नहीं है दारा साहब फाल्के, खाली नाम सुनते हैं तो उनको लगता है कि ये वही दारा साहब फाल्के, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है सर। आप देखो इनके पास जो भी आया, कोई बड़ा स्टार नहीं है, कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है, कोई बड़ा एक्टर नहीं है, तो ये बस कमाने का उनका जरिया है। कुछ लगता है आपको कुछ इस पर एक्शन होना चाहिए ताकि सर? नहीं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दारा साहब फाल्के कोई भी यूज़ कर सकता है, आप भी बना सकते हैं, नाम पर कोई उसमें नहीं है। सर आपकी फिल्म आमने सामने? हाँ, मैं तब 1973 में शक्ति सामंता के साथ काम करता था। तो एक और आमने सामने आपसे पहले फिल्म आई थी जितेंद्र की? नहीं, शशि कपूर, शशि कपूर, शशि कपूर। फिर आपने वही सेम? नहीं, मैं वो फिल्म मेरी नहीं थी, शक्ति सामंता की थी और मैं उसमें लाइन प्रोड्यूसर था।
शक्ति सामंता के साथ मैंने 10 पिक्चरें की है। पहले 10 साल तक फिल्म शक्तिरा के साथ ही किया ना, बरसात की एक रात किया अमिताभ बच्चन के साथ की, अय्याश किया संजीव कुमार के उसमें, फिर बहुत बहुत सारी मैं 10 फिल्में वहाँ पर पाले खान की है। और सर सभी के आप गाने सुनते हैं? गाने सुनता हूँ। अच्छे लगते हैं आपको? सही, 1.5-2 महीने में ख़त्म हो जाते हैं, फिर याद नहीं रहते। और पुराने गाने लगा के बैठते हैं वो मज़ा आता है, सुबह उठते गाने पुराने लगा लो आप, जितनी बार चाहो सुन लो। और सर अभी आपने तो बहुत पुराने वो फिल्में की है और उसमें इतनी ज़्यादा अश्लीलता निर्मता नहीं दिखाई जाती नहीं। जो फैमिली ड्रामा, लेकिन आजकल की फिल्में में कहीं कहीं तो गड़बड़ है, आने वाली पीढ़ी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? बहुत खराब खराब असर कर रहे हैं, तो सेंसर बैन कर रही है कुछ ना कुछ, चैनल तो बैन किए उन्होंने जिस तो इस तरह के शो आ रहे थे, लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं हुआ। सर आप कहेंगे सर, आप सर ये हैदराबाद से, उनका नाम सुरेश कुमार है, ये बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है और वहाँ फिल्मों में काफ़ी फंडिंग की है इन्होंने, पीछे से करते हैं ज़्यादा बताएंगे इनका बिजनेस, इनके फादर भी बहुत सीनियर पॉलिटिशियन थे, वन ऑफ द बिगेस्ट तो बचपन से आते हैं, 50 years 60 years से वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। क्या कुछ शुभकामना देंगे सर सर को? क्या शुभकामनाएं देंगे सर को? बस बर्थडे पार्टी में एंजॉय करने आए, 100 साल जीने का नहीं कर फिट रहे हैं, बहुत फिट रहे सब बचपन के फ्रेंड्स हैं। इट्स क्या फर्क एक भाई के अच्छे से बचपन से आपका अपकमिंग ये बाकी तो कुछ कहना चाहेंगे नहीं, अभी वो एक ज़माने में किए थे अभी तो। सर आप कहेंगे सर, आप बताएं अपने बारे में सर। अरे नहीं, ये मैंने इवेंट जो शुरू किया था 40 साल से ज़्यादा हो गया, तो पहला इवेंट मैंने इनके यहाँ हॉलैंड में किया, हॉलैंड में, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई इवेंट से। ये इवेंट तभी ऑर्गेनाइज करते थे, अभी इनकी वहाँ पे बहुत बड़ी अकाउंटेंसी फॉर्म है, बहुत बड़े लेवल पे है, और यारों के यार है, आप वहाँ जाओगे तो आपको गोदी में लेके घूमते हैं, आपको जीना आराम करते हैं। हम भी बचपन 40 साल से दोस्त हैं, ये भी डैडी होते हुए हर बर्थडे पे उनके आते थे, अब वो नहीं है तो इस बार उन्होंने बोला नहीं। सर क्या मिस करते हैं एक उम्दा कलाकार रहे हैं, उन्हें भी काम किया और आपने भी 5 दशक पूरे किए हैं, तो क्या कुछ याद है कुछ अगर शेयर करना चाहे, अच्छा आज मौका है मैं बहुत कुछ सीखा, बहुत प्राउड हूँ मेरे फादर थे, मैं उनका बेटा, उन्होंने जो हमेशा कहा है कि जो शो मस्ट गो ऑन वो हमने किया, और उन्होंने वर्करों की हमेशा सेवा की, फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे, तो आज मैं भी जितना हो सकता है अपने से एसोसिएशन में जुड़ा हुआ हूँ, करके कुछ ना कुछ करता रहा। कई सारी फिल्में की 250 से ज़्यादा जी ने फिल्में की है, क्या कुछ आप क्या सरकार से कुछ ऐसा अपील करना चाहते हैं कि उन्हें कुछ बड़ा हमने उनके होते हुए किया था, शायद सिने आर्ट एसोसिएशन की तरफ से भी किया था, लेकिन वो हुआ नहीं, सो काफ़ी लोगों ने ट्राई किया था तो नहीं, बट वैसे भी उनको बहुत सम्मान मिला है, हैदराबाद से थे तो हैदराबाद में वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने ऑनर किया था, बहुत चीफ मिनिस्टर फ्रेंडली रहे, हैदराबाद के कितने चीफ मिनिस्टर अपने यहाँ इधर आके इधर यहीं पे बैठते थे, फ्रेंडली रह के थे। आप फिल्मों के घराए से बिलोंग करते हैं, और मैं ये जान चाहता हूँ कि कुछ ही ऐसे घराए थे उस वक्त 60s 70s के दौर में जो फिल्में बनाया करते थे, प्लीज क्या करते थे, तो आप ही किस तरह से ताल्लुकात या रिश्ते हैं उन लोगों से, या कुछ पुराने चीज़ें अगर आप शेयर करना चाहें फिल्मों के जरिए, या फिल्मों के बारे में, दोस्तों के बारे में, या उस दौर के बारे में और आज के दौर के बारे में? सर उस वक्त के जितने प्रोड्यूसर थे बहुत फ्रेंडली थे,
आप सब इजीली मिलते थे, अप्रोचेबल थे, सुनते थे, बात करते थे, लेकिन आज आप किसी प्रोड्यूसर को फ़ोन करो आपका फ़ोन उठाएगा नहीं। बड़ा मना है। हाँ, पहले रिस्पेक्ट थी बहुत। आप पुराने जितने भी देखो, मैंने शक्ति राग के यहाँ काम किया तो मुझे पता है जो रिस्पेक्ट मिलती थी। अभी उसके बाद तो कोई पूछ नहीं। दूषित साहब चाहते हैं लाइफ में, आप अभी अचीव करना है कुछ चीज़, ऐसा कोई खाली है लोगों को कुछ करना चाहते हैं? नहीं सर, अभी बहुत कर लिया, अभी बस काफ़ी के मस्त रहना है। कोई तमन्ना बाकी है ये करना था या करना है? नहीं सर, मैंने काफ़ी 20 सीरियल प्रोड्यूस कर लिए, नाम काफ़ी हो गया, एक भी इतने साल के अंदर कोई धब्बा नहीं है कहीं पे, कोई कह नहीं सकता कि मैंने किसी के साथ कुछ किया या कुछ, तो बहुत एडवांटेज है। किस तरह से परवेश आपको मोदी, आप एकदम सादगी से भरे सब्जेक्ट लग रहे हैं, बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ लग रहे हैं, तो किस तरह परवेश आपको मिली, क्या कुछ सीख मिली उस बारे में बगान चाहे फैमिली? हम मेरे फादर ने हम लोग को ग्राउंड टू अर्थ रखा है, रिस्पेक्ट लोगों को करना, वो उनसे सीख। सर आप कुछ कहेंगे? सर आप क्या विषय बोलेंगे? ना जरूर बोलेंगे, 100% बोलेंगे। जी बोलिए सर। ये भी मेरे 40-45 साल पुराने दोस्त हैं। मेरा नाम अमरजीत सिंह है, मैं 45 साल से इंडस्ट्री में हूँ, मैंने बिजनेस मैनेजर हूँ, नॉमिनेशन के साथ 22-23 साल काम किया मैंने, सुधा चंद्रन का काम किया 22 साल, सतीश कौशिक के साथ 20-22 साल काम है, हिमानी शिवपुरी का काम किया मैंने, किशोरी शाने, पक्षी शाने और भी आर्टिस्ट का काम किया है, और अभी भी काम करता हूँ। मेरी 79 एज है, पर अभी भी मेरी दोस्ती इनकी 45 साल की 50 साल की है, और रोज़ शाम को बैठ के हम सबरी में चाय भी पीते हैं, घूमते फिरते भी साथ में, रहदारों में भी हाँ डेली मिलते हैं हम लोग एक दिन बैलेंस नहीं रहता, जब नहीं मिलते बोले क्या क्या बात है, तो प्रॉब्लम है क्या भाई, क्यों नहीं मिले हमारे? तो ये सब प्रेस वालों की मेहरबानी जो हमको इतना ख्याल रखते हैं, हमारा आप लोग का बड़ा योगदान है। थैंक यू सर। अभी ज़माना बहुत बदल गया, हमने बहुत टाइम अच्छा देखा पहले, अभी टाइम बहुत चेंज हो गया है। अभी सेक्रेटरी रही नहीं ना, सेक्रेटरी रहे नहीं, हम लोग एजेंसीज आ गए, तो अभी हम लोग तो पहले, आज आप किसी एक्टर को अप्रोच कर ही नहीं सकते, ऐसा टाइम आ गया। पर हमारी इनकी दोस्ती बहुत भाइयों से बढ़ के है, डेली मिलते हैं हम लोग। क्या विश करेंगे सर? क्या मैंने सब इनकी क्या विश करोगे इनको? विश हमारे इनके बर्थडे हमेशा हमेशा ऐसे मनाते रहें, हमेशा खुश रहें, आई प्रे टू गॉड कि इनकी हेल्थ हमेशा बेटर है, और हमेशा काम करते रहें। ये इनके खाली फ़ोन से ही काम हो जाते हैं सर, इनसे कोई जाने जुटने कहीं पड़ती, बड़े बड़े एक्टर के किसी से फ़ोन से बात करते हैं, ये घर बैठे ही सब संभालते हैं। सीनियर एक्टर्स कोई भी लाने हो शो के लिए तो हर एक के साथ मेरे डायरेक्ट रिलेशन है, किसी को डायरेक्ट फ़ोन करके बात करें, ऐसे किसी की पर्सनालिटी। डैडी को मैं तो सुबह से विश कर रहा हूँ ऑलरेडी, आज फाइनली घर पे रहने मिला हूँ, सो नहीं तो कुछ ना कुछ चलते रहता है काम, सो आई एम ग्लैड दैट आज हम घर पे ऐसा क्या प्रेरणा मिलती है? हाँ ऑफकोर्स पूरी फैमिली में ही है एंड इट हैज बीन फ्लोइंग स्टार्टिंग से ही, सो काम हम भी रोज ही काम पे जा रहे हैं, रोज शूटिंग कर रहे हैं, इट इज़ लाइक अ ट्रेंड जो मैंने अपनी पूरी फैमिली में देखा है, अपने ग्रैंडफादर से फादर में एंड आई ऑल्सो हैव द सेम ट्रेंड, सो एवरी डे रोज जाना कुछ क्रिएट करना अपने लिए एंड लुक एट इट कि हाँ मैंने ये बनाया इज लाइक द मेन थिंग। बड़ी लीगेसी का पार्ट है आपके दादाजी। हाँ जी दादाजी, राइट, इतना प्राउड, इतना अच्छा फील होता है। ऑफकोर्स यू कैन सी इट, मैं तो ऑलरेडी यहाँ बैठा हूँ इतना बड़ा स्माइल लेके, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, मेरे सारे फ्रेंड्स को बताता हूँ, यू नो एवरीवन गेट्स एक्साइटेड एंड जैसे हम सब यहाँ पार्टी के लिए आए, मेरे भी फ्रेंड्स आते हैं और मैं सबको कहानियाँ सुनाता हूँ एंड आई एम लाइक सबको आके फोटोज दिखाऊंगा एंड यू नो इट इज लाइक अ वेरी यूनिक पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई फील वेरी प्रिवलेज कि यू नो आई एम दिस पर्सन जिसको ये सब मिला। कोई मेमोरी ऐसी जो याद पापा के दादा के? देखो मेन चीज़ तो ये है कि मैं सेट पे मैं खुद इस रीज़न से यहाँ पे जा पाया हूँ क्योंकि पापा के सेट पे मैं स्पॉट बॉयज़ के गोद में बैठ के घुमा हूँ जब बचपन में मैं छोटा था, सो मेरे को हर सेट पे लेके ले जाते थे, हर सेट पे मेरे लिए बिस्किट्स के एक पैकेट आते थे और मुझे कंधे पे घुमाया जाता था और वही सब देख के आज मैं ये इंडस्ट्री में हूँ, यू नो सो उसी वजह से मैं लोगों के साथ रिलेशनशिप बना पा रहा हूँ, उसी वजह से मेरी अपने क्रू के साथ एक रिलेशनशिप है क्योंकि इवन ही हैड दैट सेम रिलेशनशिप, उनकी एक टीम थी, मुझे आज तक उनके एक एक स्पॉट बॉय का नाम तक याद है, शंकर, उनके प्रोडक्शन मैनेजर हरी, उनके जितने लोग थे, राइट, बिकॉज ही केप्ट इट स्पेशल फॉर ऑल ऑफ देम,
नॉट जस्ट द टॉप क्रू, कैमरा मैन वो सब ऑफकोर्स हम सबको याद रहते हैं, बट आई एम टेलिंग यू कि मुझे उनके छोटे से छोटा क्रू याद है. सो आई रिमेंबर दैट वैल्यू एंड आई मेक श्योर कि मेरे क्रू में भी जब मैं मिलता हूँ सो आई शेयर दैट लव विद एवरी डिपार्टमेंट. आई डोंट बिलीव इन अ ए क्रू एंड बी क्रू जो एक आपको हर सेट पे मिलेगा. आई डोंट बिलीव इन दैट बिकॉज दैट काइंड ऑफ फ्लोज इन द फैमिली और वही सिखाया है. क्या हुआ इंटरव्यू कर रहे हो आप? मैं तो एडवर्टाइजिंग डायरेक्ट करता हूँ. सो कमर्शियल्स मोस्टली कार कमर्शियल्स करता हूँ. अभी रिसेंटली मैंने परसों ही मेरी शूट खत्म हुई, दैट वाज फॉर एन इंश्योरेंस एड सौरभ शुक्ला सर के साथ किया था एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. बट इन्हीं लोगों के साथ जब मैं बताता हूँ कि मेरे फादर कौन है, ग्रैंडफादर कौन है, मुझे एक सेट पे भी प्रिविलेज मिलता है. यू नो आई हैव गेट दैट अटेंशन कि हाँ ये इन्होंने इनको पता है कुछ, ये एक फैमिली वैल्यू है. यू नो एक अटैच हो जाती है ऑटोमेटिकली मेरे साथ, मेरी भाषा, मेरी लाइक हर चीज़ लोगों को पसंद आने लगती है. सो दैट इज यही सब काम चल रहा है. कोई ड्रीम ऐसा कि इसको बैक करना है एक्टर को, इसको ड्रीम है? आई एक्चुअली मैं ना पैसे चेस करता हूँ ना मैं एक्टर को जाके शूट करना चेस करता हूँ. आई रियली लाइक कि मैं अपना एक प्रोडक्ट बनाऊँ और मैं उसको देखूँ और लोगों को दिखाऊँ एंड लोग उसकी तारीफ करें. लाइक दैट इज़ माई ड्रीम कि मैं कॉन्स्टेंटली पूरी लाइफ कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहूँ फिल्म मेकिंग में. एंड चाहे वो एक एडवर्टाइजिंग एड हो, चाहे वो एक लॉन्ग लेंथ फीचर फिल्म हो, बट आई जस्ट वॉन्ट पीपल टू अप्रिशिएट जो मैंने बनाया, चाहे वो 10 सेकेंड लॉन्ग. प्रॉब्ली ये पार्टी की एक रील बनाऊंगा, वो भी मुझे देख के लोगों को दिखा के प्राउड फील होता है कि ये देखो ये मैंने बनाया एंड लो यू नो दिस इज़ हाउ मैंने अपने लोगों को शूट किया. जैसे आप सब फोटोज़ खींचते हैं एंड यू नो यू शो इट टू पीपल, देखो ये मैंने खींचा है, कितनी अच्छी फोटो आई है, ये लाइट उस वजह से लगी है राइट कि ताकि हम सब अच्छे दिखे. बट ये लाइक आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि वो पर्दा भी सही है वहाँ पे, यू नो, ताकि एक एक हर चीज़ में एक अपना पर्सनल टच रहना चाहिए जो आपको इस घर में कॉन्स्टेंटली दिख ही रहा होगा, एक पर्सनल टच रहता है. यस, थैंक यू. एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त जो अशोक चक्र की पर्सनैलिटी जो घर से बैठे काम करते हैं, यार लोगों के जल्दी फोन उठाते हैं, इनके फोन से 10 फोन वापिस आते हैं, भाई क्यों फोन किया है, क्या काम है, बोलो मेरे डैड सेवा क्या है. तो ये बड़ी बात है सर, ये कमाया है, ये कमाया है इन्होंने सर, डैडी का आशीर्वाद इनके ऊपर है. आप जैसे दोस्त भी कमाए और इनका इनका सर इनका बेटा विशाल शेखर इतना बड़ा एड का डायरेक्टर है, एड का बहुत बड़ा डायरेक्टर है, माने महीने में 50 ही पूरी करता है. एक है वो अभी जितनी गाड़ियां चल रही है सब गाड़ी की एड उसके डायरेक्टर सर, उसकी डेट की मारामारी होती है, डेट के लिए लोग लाइन में लगे कि कब डेट विशाल शेखर की डेट मिलेगी, उसके हिसाब से लोग मैनेज करते हैं कि कब काम करेंगे हम. तो ये सब कुदरत की देन है, भगवान की डैडी का आशीर्वाद हमारे पास. ब्लड खून में आता था ऊपर से. जीजा जी हैं ये हमारे सर, डायग्नोस करेंगे सर. आप पंजाब नेशनल बैंक के कितने साल की सर्विस है? 42 ईयर्स मैंने बैंक में सर्विस किया. टॉप पोस्ट पे से रिटायर होने के बाद में मैंने सेंटर एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस किया 5 साल. फिर वो छोड़ने के बाद में मैंने सिंटा ज्वाइन किया. सिंटा में 7 साल मैं ऑफिस सेक्रेटरी था और काफ़ी लोगों से संबंध मतलब अच्छे हुए थे. और बाद में ये जो बिल्डिंग नई बनाई है तो उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन था, देखते थे हम लोग कैसे. ये अभी जो सिंटा की नई बिल्डिंग अभी जो नई बनी है तो ये हमारे साथ टाइम से ही बनी थी. और ऐसा जितना भी इकट्ठा करना था या अपना फेडरेशन से या कहीं से भी तो वो करके वो किया. तो मैं काफ़ी वो रहा था. और मेरा जो लड़का है शक्ति अरोरा वो टेलीविजन का बहुत बड़ा एक्टर, टीवी आर्टिस्ट है और काफ़ी अच्छा उसमें काम कर रहा है. आजकल लीड में करता है. अभी उसने रिसेंटली गुम है किसी के प्यार में सीरियल में काम किया था. और आजकल उसने अपना एक साइड बिजनेस और भी स्टार्ट किया है पॉडकास्टिंग का, तो वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है. अपना स्टूडियो बनाया है मलाड में, तो वो भी अभी शुरू किया है, तो कल से उसकी बुकिंग चालू हो गई है. तो वो भी खुदा की मर्जी होगी तो बहुत अच्छा चलेगा. मेरे बेटे से मिला दो सर विशाल जी. सर क्या कुछ मिस करेंगे सर? सर हम लोग सर करियर तो सर के साथ शक्ति फिल्म से ही वॉज द मेन प्रोडक्शन है. आई वॉज द हेड ऑफ आर्ट डायरेक्शन शांतिदास, दोस्ती वहाँ से शुरू हुई है.
पिक्चर पिक्चर बनते गया, उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट में पिक्चर मिल गया श्रद्धांजलि, उसके बाद रिश्ते आज ही वही है जो मिलती रहता है बाकी होता है, लेकिन प्राउड है जो इन्होंने काम किए, जो इन्होंने अच्छा सीरियल में एक्टिंग ज़्यादा करता नहीं था, लेकिन इन्होंने जो सीरियल किया, क्योंकि मुझे याद है जब रोनी स्कूल वाला आए थे स्टूडियो का जगह देखने के लिए, मैं ही दिखाया था उनको, तब जारी में था रोहित भी साथ में थे, तो काफ़ी जगह दिखाया, उसके बाद पता लगा जो इन्होंने फिल्म स्टूडियो सीरियल बना रहा है रोनी स्कूल वाले के लिए, है ना, वेरी नाइस। फिर दोस्ती में तो चलते रहते हैं, लेकिन इनके जो है बहुत उसमें डैडी जो रिजेंट आदमी, लेकिन मैं यहाँ आया शाम को सुबह इसे मिलने के लिए, तो बता क्या कर रहे हैं, बोले बस कर रहा हूँ पिक्चर थोड़ा सा कम, अच्छा बड़ से फोन लगे इसकी ओपुर जो कपूर साहब ये बहुत अच्छा डायरेक्टर है, मेरा बेटे का दोस्त है, मैं भेज रहा हूँ। वो इसके अबू के बाद जो भेजा गोरा पिक्चर जिसके राजस्थान लगे इसे पद्म, उसके बाद सारे पिक्चर लास्ट तक देश के दुश्मन तक इसके मुझे सारे पिक्चर नहीं किए। फिर अंकल ने एक बार बोल दिया था मेरा बेटे का दोस्त है बहुत अच्छा, हाँ तो है ट्रेडिशन है अच्छे दोस्त है और जिंदगी भर साथ में ही हम लोग मिलते रहता फोन करते रहता हूँ, सब बिजी है ना, आपका भी बिजी है सब का, हमारा तो सोचा था फिल्म लाइन में कोई नहीं आएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरा बेटा भी फिल्म लाइन में है, वो भी वैक्स में है, रॉबर्ट वन टू उसने किया, टाइम फोकस में, ब्रह्मास्त्र उसने किया, रानी कैम पावर किया, रामायण बॉम्बे में आया, लंदन कॉम्पिटिशन में किया, नाउ ही इज प्लानिंग फॉर समथिंग, तो ठीक है क्रिएटिव फील्ड है अच्छा लगता है। अभी भी अनिल शर्मा हम लोग सब बैठना उठना बैठ सर, थैंक यू सर, मेरी खुश नसीबी है कि अशोक शेखर जी मेरे दोस्त हैं और इतने बढ़िया इंसान, इतने फराग दिल इंसान, और आज उनका 70 साल का जन्मदिन है, तो मैं चाहूँगा कि अल्लाह इनको और लंबी उम्र दे और सालों साल हमारे साथ रहे, और अशोक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अशोक जी बहुत सालों से हम साथ में हैं, दादा फाल्के के अवार्ड लाइफ टाइम दिया, तो बहुत टाइम से हम साथ में थे, अलग अलग एकेडमी के टाइम से अवार्ड करते थे, चाहे फाउंडेशन के टाइम पे अवार्ड भी कर रहे, और ऐसे भी जनरल शेखर साहब के साथ मिलते रहे, चंद्रशेखर जी को मिलते, वो बड़े अच्छे इंसान हैं, एकदम हम्बल इंसान हैं, और हमेशा हर चीज़ में हर लोगों के लिए तैयार रहने वाले लोग हैं, और एक बहुत बढ़िया दोस्त है, तो दोस्ती निभाने के लिए कोई इनसे सीखे, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अशोक शेखर जी ऐसे इंसान है कि मैं जब भी दादा साहब फाल्के मुझे अवार्ड मिला, मिले उनकी नेचर, उनका स्वभाव इतना अच्छा है कि मैं देखो वैसे आज जन्मदिन पर मैं भी चला आया, मैं कह सर का जन्मदिन है, तो सर मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, बहुत अच्छा लगा। लेकिन सर ऐसे नहीं जो आपकी स्टाइल जो सचिन दा की स्टाइल है वो भैया डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आके, आज हमारे अशोक शेखर जी का बर्थडे है और उनके बर्थडे पर मैं बधाई देता हूँ कि हमेशा ही ऐसे खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सर।